बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 15 मई तक लॉकडाउन लगाया जा चुका है और इस बीच खगड़िया में कोरोना मरीजों के लिए व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे पंचायती राज मंत्री अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के कर्मियों और मरीजों से बात भी की। मौके पर उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में सभी सुविधाएं मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर लोग यहाँ आकर अपना इलाज करा सकते हैं। अब लोगों को घर में रहना है, 7 से 11 जो है लोगों को जरूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए निर्देशित किया गया है। अब पूरी तरह लॉकडाउन होगा अगला 10 दिन जो है 15 तारीख तक। बिहार के मुख्यमंत्री ने ये निर्णय ले लिया है कि बिहार में अब लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन की परिस्थिति में हम लोग देख रहे थे तमाम जगह पर अनुमंडलीय अस्पताल में क्या कमी है, जिसके चलते हमारे मरीज क्यों नहीं वहाँ रह रहे। अभी हमने निरीक्षण किया, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि सब व्यवस्था हमारा है भोगरी अनुमंडल को, ऐसा नहीं कोई ऐसा चीज़ नहीं मिला हमको देखने को मिला जिससे कि हमको दिक्कत है हो या आम लोगों को दिक्कत हो रही है। ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ 13 सिलेंडर है और 6-6 आदमी के लिए ऑक्सीजन का मशीन लगा हुआ है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा हुआ, तो 6 आदमी को तो हम ऑक्सीजन खुद बनाकर यहाँ पे दे सकते हैं, इसलिए आवश्यकता नहीं है। हम तो लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप यहीं इलाज कराएं, आप एकदम इलाज यहाँ कराएंगे, आप स्वस्थ होकर घर जाएंगे।